तो अभी हम पढ़ने वाले हैं एनिमल किंगडम के अंदर ही हमारी जो सेकेंड फाइलम दे रखी है यानी कि सिलेंट्रेटा के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो सिलेंट्रेटा होता है इनका एक नाम और होता है, डेट इज निडेलिया। तो सिलेंट्रेटा का ही एक नाम और होता है जिसको हम बोलते हैं निडेलिया। ठीक है, सो सिलेंट्रेटा की कई बार लिखा मिलेगा आपको निडेलिया फाइलम। सो सिलेंट्रेटा को ही हम निडेलिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये निडेलिया नाम देखो, निडेलिया नाम से ही एक वर्ड निकल कर आया, नीडोब्लास्ट। नीडोब्लास्ट या फिर नीडोसाइट्स, दोनों एक ही के दो नाम है हमारे पास में। तो जो निडेलिया होते हैं हमारे पास में यानी जो सिलेंट्रेट्स होते हैं, इनके अंदर ना कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं नीडोब्लास्ट एंड नीडोसाइट्स। एक ही नीडोब्लास्ट का ही दूसरा नाम नीडोसाइट्स होता है। ठीक है, तो ये जो नीडोब्लास्ट होते हैं ना, एक मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, सिलेंट्रेटा का। अगर क्वेश्चन पूछे नीडोब्लास्ट किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो वो सिलेंट्रेटा के अंदर प्रेजेंट होते हैं यानी निडेलियन के अंदर, निडेलिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जो नीडोब्लास्ट होते हैं इनके अंदर क्या होते हैं, कुछ स्टिंगिंग कैप्सूल प्रेजेंट होते हैं। नीडोब्लास्ट हो गया आपके पास में, इस नीडोब्लास्ट के अंदर क्या होते हैं, कुछ स्टिंगिंग कैप्सूल प्रेजेंट होते हैं। स्टिंगिंग मतलब कि शार्प कैप्सूल प्रेजेंट होते हैं, एक तरीके से स्टिंगिंग कैप्सूल्स होते हैं जिनको हम निमेटोसाइट्स बोलते हैं। यानी नीडोब्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, निमेटोसाइट्स। सबसे पहले देखो नीडोब्लास्ट आते किस काम में है। नीडोब्लास्ट, अब मान लिया कि है क्या कोई ना कोई एनिमल है, अब मान लिया ये आपके पास में ओशियन के अंदर है, तो किसी ना किसी के साथ में इसको अपने आप को पकड़ के रखेगा। या तो क्या पॉसिबिलिटी है कि या तो किसी चट्टान वगैरह की साइड में अपने आप को अटैच करके रखे ताकि वहीं पर रुका रहे, या फिर पानी के साथ फ्लो करता रहे। दो ही चांसेस होंगे हमारे पास में। अब इसको खाने के लिए भी चाहिए, तो यानी अपने शिकार को, प्रे को पकड़ेगा किसी ना किसी चीज से, और अपने आप को बचाएगा भी दूसरे ऑर्गेनिज्म से। तो ये तीनों ही काम कौन करते हैं, नीडोब्लास्ट। यानी सिलेंट्रेटा के अंदर जो नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, कोई भी आपके पास में सिलेंट्रेटा का ऑर्गेनिज्म होगा तो उसके अंदर नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। और ये नीडोब्लास्ट किसमें हेल्प करते हैं, एंकरेज में, उसको किसी सपोर्ट के साथ पकड़े रहने में, डिफेंस में, दूसरों से बचाने के लिए, और कैचिंग प्रे यानी प्रे को पकड़ने के लिए, शिकार को पकड़ने के लिए कौन काम आते हैं, नीडोब्लास्ट। इन नीडोब्लास्ट के अंदर स्टिंगिंग कैप्सूल्स होते हैं जिनको निमेटोसाइट्स बोलते हैं। और जो ये स्टिंगिंग कैप्सूल्स होते हैं कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इनके टेंटेकल्स या फिर बॉडी के अंदर। अब देखो जैसे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, हाइड्रा एक हमारे पास सिलेंट्रेटा का एग्जाम्पल है जिसकी बॉडी कुछ इस टाइप की होती है, और ये ऊपर जो इस टाइप से लाइने लाइने से दिखाई दे रही है ना, इनको हम बोलते हैं टेंटेकल्स। ये ना हमारे पास में ये इस तरीके की जो लाइंस है, इनको हम टेंटेकल्स बोलते हैं। और इन टेंटेकल्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, ये नीडोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर क्या होते हैं, निमेटोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है हमारे पास में। अब क्या होगा, या तो सिर्फ इन टेंटेकल्स के ऊपर ये वाले सेल प्रेजेंट होंगे, या फिर हो सकता है कि जो एनिमल्स आपके पास सिलेंट्रेटा के अंदर आते हैं उनकी पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर ही क्या प्रेजेंट हो आपके पास में, नीडोब्लास्ट प्रेजेंट हो। किसमें हेल्प करेंगे, शिकार को पकड़ने के लिए, दूसरे से अपने आप को बचाने के लिए, और अटैचमेंट के अंदर। ठीक है, अब मान लिया कि कोई आपके पास में रस्सी है और उसके ऊपर क्या है, कुछ एक तरीके से मतलब नॉट नॉट सी लगा दी, तो कहीं पे भी अटकने में उसको मदद करेगी ना। तो जो नीडोब्लास्ट भी कैसे होते हैं, मान लिया कि ये आपके पास में इस तरीके का इसका एक टेंटेकल है, तो इसके ऊपर इस तरीके की कुछ मतलब एक तरीके से प्रोजेक्शन सी बना देंगे, और ये क्या करेगा, किसी चीज के साथ में उसको पकड़े रहने के अंदर मदद करेगा। ठीक है, अब है हमारे पास में इनका एक खास फीचर, वो क्या है, इनके अंदर सेंट्रल गैस्ट्रो वैस्कुलर कैविटी होती है विद सिंगल ओपनिंग। यानी इनके अंदर क्या होती है, सेंट्रल गैस्ट्रो वैस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है। जैसे पोरीफेरा के अंदर वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है यानी कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सेंट्रल गैस्ट्रो वैस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है। और इनका जो माउथ होता है, ठीक है, और इस गैस्ट्रो वैस्कुलर जो कैविटी है इसकी एक सिंगल ओपनिंग होती है जहां पर माउथ प्रेजेंट होगा। और माउथ कहां पर प्रेजेंट होता है, हाइपोस्टोम के ऊपर प्रेजेंट होता है। यानी कि जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी की जो ओपनिंग होगी उसको हम माउथ बोलेंगे, और उस वाले एरिया को हम क्या बोल देंगे, हाइपोस्टोम। यानी हाइपोस्टोम के ऊपर क्या प्रेजेंट है, माउथ प्रेजेंट है। ठीक है हमारे पास में, जो ये सिंगल ओपनिंग होगी इस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी की उसको हाइपोस्टोम बोलेंगे, उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, माउथ। ठीक है, आगे है हमारे पास में कि जो सिलेंट्रेटा है, माउथ यानी इनका मुंह, तो सिलेंट्रेटा ना कोरल्स बनाते हैं। सबके सब सिलेंट्रेटा कोरल्स नहीं बनाते, कोरल्स किसको बोलते हैं, कोरल आइलैंड होते हैं ना, जैसे अपने पास में
बैरियर रीफ बनती है। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लक्षद्वीप आइलैंड। जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो भी क्या है, बहुत सारे कोरल्स के डिपॉजिट होने से ही बना हुआ है। मतलब क्या होता है हमारे पास में, मान लिया कोरल्स जो होते हैं ना, इनकी बॉडी जो होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है। जैसे ये कोरल्स क्या होंगे, टाइम के साथ में मर जाएंगे, तो इनकी बॉडी की जो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर होगी, मतलब मर के वहीं पर डिपॉजिट होते चले गए। आउटर लेयर किसकी बनी हुई है, कैल्शियम कार्बोनेट की, तो बहुत सारा कैल्शियम कार्बोनेट इकट्ठा होता चला जाएगा और एक चट्टान टाइप का बना देगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, कोरल्स बोलेंगे। ठीक है अपने पास में। अब अगला फीचर है मेटाजेनेसिस, यानी पूरे के पूरे आपके पास में एनिमल किंगडम के अंदर मेटाजेनेसिस सिर्फ और सिर्फ सिलेंट्रेटा शो करता है, और कोई भी ऐसा फाइलम नहीं है जो मेटाजेनेसिस को शो करता हो। मेटाजेनेसिस इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि जब इसके अंदर देखो उससे समझो मेटाजेनेसिस क्या है। जो हमारे पास में सिलेंट्रेटा होता है ना, इसके अंदर दो बॉडी फॉर्म होते हैं, यानी सिलेंट्रेटा दो फॉर्म के अंदर मिलता है। एक फॉर्म को हम पॉल्प बोलते हैं और दूसरे को हम मेड्यूसा बोलते हैं। ठीक है, एक फॉर्म को हम पॉल्प बोलेंगे और दूसरे को मेड्यूसा बोलेंगे। तो मेटाजेनेसिस का मतलब क्या है, पॉल्प होती है एसेक्सुअल फॉर्म और मेड्यूसा होती है सेक्सुअल फॉर्म। तो जो पॉल्प है ना, ये एसेक्सुअल फॉर्म है, तो पॉल्प तो मेड्यूसा के अंदर चेंज हो सकता है और मेड्यूसा पॉल्प के अंदर चेंज हो सकता है। यानी कि पॉल्प क्या कर सकता है, मेड्यूसा की फॉर्मेशन एसेक्सुअली, और मेड्यूसा क्या कर सकता है, पॉल्प की फॉर्मेशन कर सकता है सेक्सुअली। मतलब क्या कर सकते हैं, इसकी दो बॉडी फॉर्म मिलती है जो एक दूसरे के अंदर इंटरचेंजेबल होती है। इसीलिए बोलते हैं कि ये क्या शो करते हैं, मेटाजेनेसिस, मतलब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को ये शो करते हैं। ठीक है, एक ही ऑर्गेनिज्म की दो बॉडी फॉर्म है और ये एक दूसरे के अंदर क्या हो सकते हैं, इंटरचेंज हो सकते हैं। ठीक है हमारे पास में, ठीक है, दो बेसिक बॉडी फॉर्म के अंदर मिलता है हमारे पास में सिलेंट्रेटा। ठीक है, अब हम कुछ पॉल्प के एग्जाम्पल पढ़ेंगे और कुछ मेड्यूसा के फॉर्म के एग्जाम्पल पढ़ेंगे। ठीक है हमारे पास में, तो देखो जैसे हम यहाँ पे पहले हाइड्रा की बात करते हैं। हाइड्रा ना एक फ्रेश वाटर पॉल्प है आपके पास में। ठीक है, हाइड्रा क्या है, फ्रेश वाटर पॉल्प है हमारे पास में। मेड्यूसा का भी हमारे पास में पड़ेगी, देखो जो पॉल्प है मैंने कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाया था, सिलेंड्रिकल शेप का है ना, तो जो पॉल्प एक एसेक्सुअल फॉर्म को रिप्रेजेंट करती है सिलेंट्रेटा की, और इसकी शेप कैसी होती है, सिलेंड्रिकल, और ये होते हैं सिजाइल, मतलब एक सपोर्ट के साथ में अटैच वहीं पर ही रुके रहेंगे। किसकी मदद से, टेंटेकल्स की मदद से। मेड्यूसा सेक्सुअल फॉर्म को बोलते हैं और इसकी कैसी शेप होती है, अम्ब्रेला शेप की होते हैं, यानी कुछ इस टाइप की शेप होती है, इसको जेलीफिश बोलते हैं हम। ऊपर वाला इस तरीके से होगा, नीचे इस तरीके से इसके ऐसे ऐसे से यहाँ पे बने हुए होंगे। ठीक है, जेलीफिश सर्च करके देखना, ऐसा डायग्राम होता है, ऊपर ही अम्ब्रेला शेप का बना हुआ होता है। ये फ्री स्विमिंग होते हैं, यानी पानी के साथ में क्या करते रहते हैं, स्विम करते रहते हैं। ठीक है, तो मेन फीचर क्या है, सिलेंट्रेटा मेटाजेनेसिस को शो करता है। मेटाजेनेसिस का मतलब होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब एसेक्सुअल फॉर्म से सेक्सुअल फॉर्म प्रोड्यूस हो सकती है और सेक्सुअल फॉर्म से एसेक्सुअल फॉर्म। जैसे प्लांट्स के अंदर होता है, प्लांट में क्या होता है हमारे पास में, स्पोर से प्लांट बनता है और फिर क्या बनता है, प्लांट से नया स्पोर बनेगा, स्पोर से फिर नया प्लांट। ठीक, इसी तरीके से होता है इसके अंदर। अब हमारे पास में क्या आ जाता है, दो एग्जाम्पल्स इसके हमें दे रखे हैं। क्या एग्जाम्पल्स है हमारे पास में, देखो एक सेकेंड। ठीक है हमारे पास में, तो अब इनके एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जो हमारे पास में मेड्यूसा है ना, मेड्यूसा का एग्जाम्पल होता है हमारे पास में उरीलिया। ठीक है, और जो पॉल्प है इसका एग्जाम्पल होता है एडेंसिया। ठीक है, एडेंसिया। इन सबके कॉमन जो नेम है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं सिलेंट्रेटा के, वो हमने पोरीफेरा वाली वीडियो के अंदर सबके कॉमन नेम्स कर रखे हैं, लगभग 10-12 नाम है वहां पर, जो हमसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में स्पेशली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास में क्या है, अडेंसिया तो एग्जाम्पल हो गया पॉल्प का, और मेड्यूसा एग्जाम्पल हो गया उरीलिया का। कई बार पूछा जाता है बताओ उरीलिया मेड्यूसा है या पॉल्प है, तो उरीलिया क्या है आपके पास, मेड्यूसा फॉर्म है, और अडेंसिया किसकी फॉर्म है, पॉल्प। तो हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा एक फ्रेश वाटर पॉल्प है हमारे पास में। इसके तीन स्पीसीज मिलते हैं, पहला है हाइड्रा विरिडिजिमा। ये क्या है, एक ग्रीन हाइड्रा है। ग्रीन हाइड्रा क्यों बोला, क्योंकि ये हाइड्रा क्या करता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है ग्रीन एल्गी के साथ में। क्या करता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ग्रीन एल्गी के साथ में। सिम्बायोटिक एसोसिएशन एक ऐसी एसोसिएशन होती है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। ठीक है, जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल हम लाइकेंस का पढ़ते हैं, जिसमें एल्गी और फंजाई की हमारे पास में एसोसिएशन होती है। एल्गी फोटोसिंथेसिस करता है, फंजाई उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, तो दोनों एक दूसरे के साथ
मिलकर काम करते हैं। तो जो हाइड्राफिरिडिसीमा था ये सिम्बोल्टिक एसोसिएशन को शो करता है ग्रीन एल्गी के साथ, इसीलिए इसका नाम पड़ गया ग्रीन हाइड्रा। कौन सी ग्रीन एल्गी होती है? जू क्लोरेला नाम की ग्रीन एल्गी होती है, ठीक है। अब जो ये हाइड्रा फ्यूस्का होता है ये हमारे पास में ब्राउन एल्गी के साथ में क्या करता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? पेलमेटो हाइड्रा भी बोला जाता है। हाइड्रोफिस्का का एक नाम और है पेलमेटो हाइड्रा, और इसी को ही ब्राउन हाइड्रा भी बोलते हैं क्योंकि ब्राउन एल्गी के साथ में एसोसिएशन शो करता है। कौन सी ब्राउन एल्गी? जू जेंथिला, ठीक है। अगला आता है, ये रफ हो गया, ये हमारे पास में हाइड्रा गैंगेटिकिया, ठीक है। हाइड्रा जो गैंगेटिकिया है इसको हम बोलते हैं पिंक हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा गैंगेटिका का कॉमन नाम क्या होता है हमारे पास में? पिंक हाइड्रा, ठीक है। तो योगी हाइड्रा की तीन फॉर्म्स, ये हाइड्रा का ही डायग्राम है। उरीलिया एक ऐसा सिलेंड्रेट है जो मेटाजेनेसिस को शो नहीं करता, बाकी जितने भी सिलेंड्रेट होंगे वो सब मेटाजेनेसिस को शो करेंगे, लेकिन उरीलिया एक ऐसा आपके पास में सिलेंड्रेट है जो मेटाजेनेसिस को शो नहीं करता, मतलब डू नॉट शो अल्टरनेशन ऑफ जर्नेशन। रीजन क्या होता है? उरीलिया हमारे पास मेड्यूसा का एग्जाम्पल है, इसके अंदर जो पॉल फॉर्म होती है ना हमारे पास उरीलिया की, वो बहुत ज्यादा रिड्यूस होती है, इसीलिए पूरी फुली डेवलप नहीं होती, और यही रीजन होता है कि हमारे पास मेटाजेनेसिस ऑफ नहीं शो करता, मतलब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को शो नहीं करता, ठीक है। हमारे पास में सिलेंड्रेटा की बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जो पोरीफेरा के साथ में सिलेंड्रेटा के एग्जाम्पल्स करा रखे वो करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। तो आप उस वाली वीडियो से कर लेना, ठीक।